अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको समास के पहले दो प्रकारों के बारे में समझाया था, द्वंद्व समास और द्विगु समास। मैं आज आपको अब आगे के प्रकार समझाऊंगी। तो हमारा तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप यानी निकल जाना हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहले कि तत्पुरुष समास का जो शब्द होता है उसमें दूसरा पद मेन होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात कि तत्पुरुष समास में जब आप शब्द बनाते हैं दो शब्दों को मिलकर, तो उनको जब अलग करते हैं तो अलग करते वक्त उनके बीच में जो कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाला, तो कौन से, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कारक चिन्ह का, की, को, कु, से, द्वारा, ऐसे शब्द बीच में आते हैं। तो जब आप तत्पुरुष समास बनाते हैं तो ये सभी शब्द दोनों शब्दों में के बीच में से निकल जाते हैं और फिर एक शब्द बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है, तत्पुरुष समास में एक तो दूसरा पद इम्पॉर्टेंट होता है और उसके बीच में कारक चिन्ह निकल जाते हैं। कारक चिन्ह ये है जो मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो जब भी आपको तत्पुरुष समास का शब्द पहचानना हो तो क्या करना है, शब्द दिए गए शब्दों को अलग करना है। अगर आप अलग करते हैं और अलग करते वक्त ये सब इसमें से कोई भी कारक चिन्ह आता है तो समझ लेना कि ये कौन सा शब्द है, तत्पुरुष समास का शब्द है। और दूसरी बात कि समास में ये जो दो पद होते हैं यानी दो शब्द जिससे शब्द बनता है, समास बनता है, पहला पद दूसरा पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप हमेशा ये याद रखना कि पूर्व किसे कहते हैं और उत्तर, क्योंकि समास में सभी में हर एक प्रकार के समाज में ये तो आएगा ही, तो आप ये याद रखना। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगी। देश के लिए भक्ति, ये हमने शब्दों को छूटा किया है, एक शब्दों को अलग किया है। तो देश के लिए भक्ति, तो जो देश के लिए भक्ति करता है उसे क्या कहते हैं, देशभक्ति, क्या कहते हैं, देशभक्ति। तो बीच में ये जो कारक चिन्ह था हमारा के लिए, ये हमने निकाल दिया तो क्या हुआ, देशभक्ति। तो अगर आप ये शब्द आपको एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, इसको अलग करना है कि देश भक्ति है, तो मैं अगर अलग करता हूँ तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, तो के लिए कारक चिन्ह आ गया, तो ये देश तत्पुरुष समास बन गया। तो ये हमारा शब्द क्या होगा, तत्पुरुष समास। दूसरा, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र को हम क्या कहते हैं, राजपुत्र, ये हमारा तत्पुरुष है, इसे जब अलग करते हैं तो क्या होता है, राजा का पुत्र। बीच में क्या आया, का आया, जो हमने समास बनाते वक्त निकाल दिया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, राजपुत्र, तत्पुरुष समास। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो शब्द अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह आते हैं, के, का, की, कु, से, तो वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि धर्म का ग्रंथ, जिसको समास बनाते वक्त क्या होगा, धर्म ग्रंथ, हम कहते हैं धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ का मतलब क्या होता है, धर्म का ग्रंथ, तो इसमें से हमने का निकाल दिया है, इसलिए क्या होगा, ये धर्म ग्रंथ बन गया हमारा समास। ये कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास। अब चौथा प्रकार है हमारा, फोर्थ, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, तथा सामासिक पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। डेफिनेशन सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझ जाएंगे। उदाहरण, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, हर दिन, तो यहाँ पे हर एक में पहला शब्द हमारा इम्पोर्टेंट है, यानी पहला पद इम्पोर्टेंट है। जब आप इसको अलग करते हैं तो इसका अलग मतलब निकलता है, मतलब इस शब्द के अनुसार मतलब निकलता है, और हमारा दूसरा ये जो पद है वो हमारा क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यथा समय,
तो यथा समय को अगर आप अलग करते हैं तो क्या बनेगा? समय के अनुसार। तो हमारा जो दूसरा पद कहाँ आ गया? पहले आ गया जब हमने अलग किया तो क्या होगा? यथा का मतलब क्या होगा? अनुसार। तो समय के अनुसार, जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। तो दूसरा जब हम अलग करते हैं तो दूसरा पद हमारा पहले आ जाता है, तो दूसरा पद हमारा अव्यय बन जाता है। तो ऐसे अव्ययीभाव समास ऐसे बनते हैं। तो ऐसे शब्द अगर आ गए तो समझ लेना कि वो हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे कि प्रतिपल, तो हर पल समझ। तो आई होप आपको ये दोनों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। अब आगे के प्रकार मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो बाय योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।